नमस्ते मित्रों मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइक में आपको दोस्तों जिस विषय पे आज हम बात करेंगे वो बहुत ही आ, सेंसेशनल सब्जेक्ट है बहुत सेंसेशनल विषय है क्यों सेंसेशनल है क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं चूंकि ये सब्जेक्ट जुड़ा है बच्चों के साथ आप देख रहे होंगे आजकल क्या है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन को लेकर के लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है कि हर बच्चे हर एक पेरेंट्स को चाहिए कि मेरा बच्चा बहुत तो अच्छा परफॉर्मेंस करे और एक परफॉर्मेंस जो होता है वो स्टेटस सिंबल बन गया है मतलब ये ऐसा नहीं रह गया कि सिर्फ एक परफॉर्मेंस है ये स्टेटस सिंबल की बात हो गई है तो यूजुअली क्या होता है कि जब बच्चा वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है तो उसको क्रिटिकल कमेंट्स डांट मार झेलना पड़ रहा है पेरेंट्स का तो हमने क्या कभी सोचा कि हमारा बच्चा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है उसके पीछे क्या कारण है दोस्तों उसके पीछे ये कारण हो सकता है कि वो एक डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित हो लर्निंग डिसेबिलिटी की समस्या हो उसको जिसे हम डिसलेक्सिया बोलते हैं ठीक है तो डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी का एक सब टाइप है आज हम डिसलेक्सिया के बारे में ही बात करेंगे तो क्या है दोस्तों ये डिसलेक्सिया मैं डिसलेक्सिया को बताने से पहले आपको ले जाना चाहूंगा तारे जमीन मूवी पर तारे जमीन पर आपने देखी होगी वहां आप याद करो दर्शील सफारी को ईशान बच्चे का कैरेक्टर बच्चा क्यों परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था उसके माँ बाप उसको प्रेशर दे रहे थे बार बार प्रेशर दे रहे थे लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था तो कहीं ना कहीं जाके आमिर खान जी ने एज ए स्पेशल एजुकेटर उसकी टैलेंट को समझा और यह समझा कि वो क्यों नहीं परफॉर्मेंस कर पा रहा है क्योंकि उसे डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी अब डिसलेक्सिया में होता क्या है फ्रेंड्स डिसलेक्सिया एक रीडिंग और राइटिंग की समस्या होती है इसमें बच्चे किसी वर्ड्स को कॉम्प्रेहेंड नहीं कर पाते हैं उसमें कुछ नया अपनी मर्जी से ऐड कर देते हैं कुछ हटा देते हैं उसको तोड़ मरोड़ देते हैं डिसलेक्सिया को वर्ल्ड ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है ठीक है तो यूजुअली क्या होता है कि इसमें बच्चे अपनी मर्जी से वर्ड्स को तोड़ मरोड़ देते हैं उसको कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कि किधर से पढ़ना है right राइट से पढ़ना है या लेफ्ट से शुरू करना है तो उनको ये कई बार उनको वर्ड्स उल्टे दिखाई पड़ते हैं या वो वर्ड्स को आगे पीछे कर देते हैं अपनी मर्जी से उनके अंदर में कुछ कुछ परिवर्तन कर देते हैं उनको वर्ड्स पजलिंग टाइप में दिखाई पड़ते हैं पजलिंग टाइप में वो उनको कॉम्प्रिहेंड करते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि वो प्रॉपर वर्ड्स को प्रॉपर सेंटेंस को पढ़ नहीं पाएगा तो हमें वहां पे स्पेशल अटेंशन की जरूरत है हमें ये नहीं समझना है कि बच्चा हमारा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है ये हमें एसेस करना है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है ठीक है तो इसमें मेन मेन क्या कॉम्पोनेंट हैं मेन मेन कॉम्पोनेंट्स ये होते हैं कि जो डिसक्सिया का बच्चा होता है उसमें कई बार कॉगनेटिव एरिया में भी हमें प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है हालांकि डिसलेक्सिया में अगर हम आई टेस्ट की बात करें तो इन ऐसे बच्चों का आई बहुत अच्छा होता है या बॉर्डर लाइन होते हैं मतलब हम उसे मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन में नहीं रख सकते तो ऐसे में क्या है कि हमें समझना है कि उनकी प्रॉब्लम किस एरिया में है मतलब उनके कॉग्निशंस में कहां पे प्रॉब्लम है ठीक है हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग वो अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसके बारे में समझना है तो क्योंकि इनमें क्या होता है इनमें कोऑर्डिनेशन में रिकॉग्नीशन में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है तो हमें इसको समझने की जरूरत है कुछ ये सिंपल एक रीडिंग और राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है ऐसे देर आर टू मच लर्निंग डिसेबिलिटीज लाइक डिस्ग्राफिया होता है डिस्कैलकुल होता है तो इस तरह के और भी हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज लेकिन हम जो आज बात करेंगे वो डिसलेक्सिया पे ही बात कर रहे हैं तो हम इसके बारे में भविष्य में और भी आपको वीडियो प्रस्तुत करेंगे तो अभी हमारा मुद्दा ये है कि डिसलेक्सिया में ये तो समझ में आया ये वर्ल्ड की प्रॉब्लम है इसमें पजलिंग्स हो जाती हैं कन्फ्यूजन हो जाता है तो लेकिन हमें इसमें करना क्या है तो करना क्या है फ्रेंड्स हमें इसमें इसके लिए हमको एक प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी इसमें दवाई का कोई खास रोल नहीं है बिकॉज इसमें कोई व्यवहार का बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है बुद्धि की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है इसको हम एक पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं और हमें इसमें मल्टी टीम की जरूरत पड़ती है लाइक like हमें स्पेशल एजुकेटर की जरूरत पड़ती है हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स की जरूरत पड़ती है और साथ में हमें स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है बिकॉज कई बार ऐसा देखा जाता है डिसलेक्सिया में कोई बच्चे लेट से बोलना भी शुरू करते हैं क्योंकि ये ओवरऑल क्या है डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है ना दोस्तों तो इसमें क्या होता है कि बच्चे लेट से देखना बोलना शुरू करते हैं या मिस मिसस्पेल्ड कर देते हैं चीजों को तो हमें इन इंटीग्रेटेड टीम की जरूरत पड़ती है तो इसमें हमें क्या है कि स्पेशल एजुकेटर क्या करता है कि प्रॉपर उसके एक उसके स्पेशल नीड्स को समझ के कि कई बार ऐसा होता है कि हमें उन्हें एसेस करना पड़ता है कि मान लो कोई बच्चा थर्ड स्टैंडर्ड का है तो क्या वो थर्ड स्टैंडर्ड की चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है समझ पा रहा है तो इसके लिए कुछ टेस्ट है ठीक है लाइक निमेन्स बैटरी टेस्ट है जिसके माध्यम से हम ये पता करते हैं कि उसका स्टैंडर्ड अप टू मार्क है कि नहीं वो बहुत पीछे तो नहीं है और हम उस पर प्रेशर देते जा रहे हैं पढ़ो पढ़ो ऐसा करो वैसा करो लेकिन नहीं समझ में आ रहा उसको वो उसके हाथ से बाहर है क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है वो समझ नहीं पा रहा है लिख नहीं पा रहा है पढ़ नहीं पा रहा है तो हमको ऐसे में उसके स्कूल बुक्स के माध्यम से कुछ ये देखना पड़ता है कि उसका स्टैंडर्ड क्या है साथ ही हमें उसका आई क्यू कराना है कि क्या उसका आई कितना अगर वैसे तो मैंने आपको बताया कि आई उसका बढ़िया होता है या बॉर्डर लाइन होता है लेकिन कितना है उसके अकॉर्डिंगली किस कंपोनेंट में प्रॉब्लम है जब हम मैसेज करेंगे तो पता लगेगा तो हमको वो भी देखना है स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत है जब जहां पर स्पीच डिले हो या वो बोल नहीं पा रहा हो चीजों को मतलब रीडिंग में उसको दिक्कत होती है तो वहां पे स्पीच थेरेपिस्ट कई टेक्निक्स के थ्रू उनको बोलने में जो मिसकम्युनिकेशन में मिस स्पेलिंग की प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करते हैं इसमें कई टेक्निक्स लाइक पैक्स का यूज करते हैं पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिक, कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं तो इस तरह की कुछ कुछ टेक्निक्स हैं उसका यूज करते हैं कई बार हमें आ, ये लाइक हमें पेरेंट को टीचर ट्रेनिंग करना पड़ता है जो कि क्या होता है कि पेरेंटल टीचिंग एंड ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें और टीचर को भी हमें एडवाइस करना पड़ता है कि इसकी जो समस्याएं हैं उसको आप समझो मतलब हम टीचर को नहीं कई बार नहीं पता होता है कि हमारे क्लास का बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है तो उसे समझने की जरूरत है तो यूजुअली uh, क्या होता है ये में मिलता है ये बॉयज में ज्यादा प्रिवलेंट होता है और लर्निंग डिसेबिलिटीज में डिसलेक्सिया सेवेंटी परसेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है लाइक like मैंने जैसे बताया डिस्ग्राफिया कैलगुलिया इसमें डिसलेक्सिया सबसे ऊपर है सेवेंटी परसेंट बच्चे इससे प्रभावित होते हैं तो इस अब क्या होगा डिसलेक्सिया होगा तो और हम बहुत प्रेशर देंगे तो वैसा बच्चा क्या होगा इसके अंदर कई कोमॉर्बिड चीजें आ जाएंगी लाइक like उसके अंदर डिप्रेशन आ जाएगा उसका बच्चे बुली करना शुरू कर देंगे वो इसका सेल्फ स्टीम लो हो जाएगा ठीक है वो आगे इनफीरियर हो जाएगा उसके अंदर सोशल एंजाइटी आ जाएगी तो इस तरह की कई चीजें होंगी तो हमें इससे बच्चों को बचाना है और हमें कोशिश करना है क्योंकि हम इस डिसलेक्सिया को जल्दी ही अगर डायग्नोस कर लेते हैं हम ये समझ जाते हैं कि हमारा बच्चा सही से पढ़ क्यों नहीं पा रहा है मतलब इसको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसको जल्द से जल्द क्योर कर सकते हैं मित्रों मैं आशा करता हूं डिसलेक्सिया के बारे में मैं मैंने आपको अच्छे से बताया है और आप इसको अच्छे समझे होंगे धन्यवाद मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें